मित्र, आज का आरके पुरम का माहौल देखकर मुझे लगता है कि 11 तारीख को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। मित्रों, आज मैं यहां पर भारतीय भाई ए बिठाओ मत, ओ बहन जी, अरे खड़े रह जाओ ना, तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ सर, बैठ जाओ, जितने बैठ सके इतने बैठ जाओ, बाकी खड़े रहो। मित्रों, मैं आज यहां पर भाई अनिल शर्मा को जिताने के लिए आया हूं, आप सभी को करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि अनिल शर्मा को यहां से विधायक बनाकर दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। मगर मैं आपको ये कहने आया हूं कि आपका एक वोट, अरे सुनो भाई, अब जरा सुनो तो, आपका एक वोट केवल अनिल शर्मा को विधायक नहीं बनाएगा, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाएगा, आपका कमल के निशान पर बटन दबाकर दिया हुआ वोट दिल्ली और देश की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने वाला है। क्योंकि यह चुनाव अब कोई दो पार्टी दो व्यक्तियों के बीच का चुनाव नहीं रहेगा, ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। एक और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है, जो देश की सीमाओं का उल्लंघन होता है, देश के जवानों पर हमले होते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब, और दूसरी ओर राहुल बाबा केजरीवाल एंड कंपनी है, जो आज भी कह रहे हैं कि वी आर विद शाहीन बाग। मुझे बताओ आर के पुरम वालों, ये शाहीन बाग कोई घटना नहीं है, कोई स्थान नहीं है, एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। आपने देश की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है या राहुल बाबा और केजरीवाल एंड कंपनी के साथ रहना है? जोर से बोलिए जरा। मित्रों, ये चुनाव निर्णय करने वाला है कि दिल्ली सुरक्षा चाहती है या नहीं चाहती। मित्रों, 5 साल तक यहां एक सरकार चली, आप पार्टी की सरकार चली, गत चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, दिल्ली की गलियों गलियों में घुमा था, हमने अपील की थी, मगर दिल्ली की जनता ने श्री केजरीवाल को एक मौका दिया, एक ट्राई किया कि अन्ना आंदोलन से एक नया नेतृत्व आया है, दिल्ली का सुकान उनको देना चाहिए, कोई बात नहीं, 5 साल हो गए। मगर मित्रों, 5 साल के बाद दिल्ली की जनता का और विपक्ष के नाते हमारा भी उनसे हिसाब मांगने का अधिकार है या नहीं, बताओगे? जोर से बोलो, है या नहीं? वो देते हैं क्या हिसाब? वो हिसाब देते हैं? मैंने पहले ही दिन जब प्रचार शुरू किया कहा, केजरीवाल जी जहां जहां सभा करने जाइए अपना मैनिफेस्टो लेकर जाइएगा और बताइए कि हमारे मैनिफेस्टो में ये लिखा था, ये करा, ये लिखा था, ये करा, ये लिखा था, ये करा। तो उन्होंने तो दूसरे दिन घोषणा करी, मैं तो सभा ही नहीं करूंगा, सिर्फ रोड शो करूंगा।
क्योंकि सभा करेंगे तो लोगों के सामने बोलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, लोग सवाल पूछेंगे, भूतकाल में गंदे गंदे अनुभव भी उनको हुए, एक दो हुए ना, मगर मित्रों वो भले न करे, मैं आज आपको याद कराने आया हूं। ये आप पार्टी ने कहा था कि दिल्ली के अंदर 1000 नए स्कूल बनाएंगे। अब मुझे कहो रामकृष्णपुरम वालों, 1000 नए स्कूल बने हैं क्या? जोर से बोलो, बने हैं। अब हम केजरीवाल जी को सवाल करते हैं, कहते हैं आप दिल्ली का अपमान करते हो, इसमें दिल्ली का अपमान हुआ क्या? हम तो दिल्ली के भले की बात कर रहे हैं भाई, स्कूल कहाँ गए? दूरबीन लेकर ढूंढ रहे, दिखाई नहीं पड़ते। बहन मीनाक्षी जी अपने क्षेत्र के अंदर एक स्कूल में चली गई, यूरोप जैसे स्कूल बनाएंगे, बात बात में यूरोप यूरोप करते हैं कि यूरोप जैसे स्कूल बनाएंगे, टाइल्स उखड़ी हुई पड़ी है, बच्चों के पीने के पानी की जगह गंदगी फैली पड़ी है, बाहर बेंचेस पड़ी है, बैठने की सुविधा नहीं, शिक्षक नहीं। जब इन्होंने ट्वीट किया तो उन्होंने कहा कि भाई ये दिल्ली का अपमान है। केजरीवाल जी आप भी इंदिरा जी की तरह, इंदिरा जी कहती थी इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तो आप भी इंदिरा जी की तरह केजरीवाल इज दिल्ली, दिल्ली इज केजरीवाल तो नहीं मानते हो ना? नहीं, मैं केजरीवाल को पूछ रहा हूँ भैया, मैं उनको सवाल पूछता हूँ, वो दिल्ली के साथ चिपक जाते हैं। ये दिल्ली का अपमान नहीं है, दिल्ली की जनता के साथ किए हुए आपके धोखे का जवाब मांग रहे हैं केजरीवाल, जवाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम 50 नए कॉलेज बनाएंगे, केजरीवाल जी इतने एडवर्टाइज दिए 1700 करोड़ रुपए का, गरीब बच्चों के खाने के पैसे का भी आपने एडवर्टाइज दे डाला, 1700 करोड़ रुपए के एडवर्टाइज दिए, एक एडवर्टाइज और दो दो, 50 कॉलेजों के जरा एड्रेस दे दो, देने चाहिए नहीं देने चाहिए? जोर से बोलो, देने चाहिए नहीं देने चाहिए? उन्होंने कहा था हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, अस्पताल, जरा एक अस्पताल बता दो भैया आपने बनाया हो तो। उन्होंने कहा था 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, अब मैंने परसों कह दिया 15 लाख जी जगह 1.5 लाख लगाया, तो बोले चलो हमने 1.5 लाख लगाया, अमित शाह जी ने स्वीकार किया, केजरीवाल जी 1.5 लाख में से 1.25 लाख का पैसा भारत सरकार ने दिया है, आपने नहीं लिया। लोग ढूंढ रहे हैं सुरक्षा के लिए कैमरा कहां गए, 5000 टीटीसी की बस लाने वाले थे, नई बसें, 5000 नई बसें छोड़ो, जो बस थी उसमें से 1095 बस आपकी कम हो गई, ये बच्चियों की सुरक्षा के लिए अंदर कमांडो खड़े करने वाले थे। कोई डीटीसी की बस में कमांडो देखा है भाई आपने? देखा है क्या? ये युवा इतने सारे मोबाइल से वीडियोग्राफी कर रहे हैं, उन्होंने कहा था दिल्ली के चप्पे चप्पे पर मैं वाईफाई फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, जरा ढूंढ कर दिखाओ भाई युवाओं, मिला है क्या? जोर से बोलो, मिला है क्या? उन्होंने कहा था कि यूरोप जैसी सड़कें बनाएं। मैं अभी पूरे दिल्ली में घूम कर आया हूं मित्रों, मेरा 34वां कार्यक्रम है, 34वां, 34 विधानसभा क्षेत्रों में मेरा आज प्रवास समाप्त हुआ है, 70 में से एक ही बाकी है बहुमत के लिए। और जहां जहां जाता हूं, जैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में गया, दिल्ली के इंटीरियर में गया, लुटियन जोन छोड़ दिया, तुरंत ही गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है मालूम ही नहीं पड़ता। इन्होंने कहा था माँ यमुना को हम स्वच्छ कर देंगे, केजरीवाल जी मैं आपको चैलेंज देता हूं, यमुना जी के अंदर एक गोता लगाकर बता दो तो मैं मानू कि यमुना जी को आपने स्वच्छ किया। आप क्या यमुना जी को स्वच्छ करोगे केजरीवाल जी, अगर
नदियां कैसे स्वच्छ होनी है सीखना है तो प्रयागराज के कुंभ में जाकर गंगा जी में डुबकी लगाते तो मालूम पड़ता मोदी जी और योगी जी ने कैसे स्वच्छ किया। मित्रों, यमुना जी को छोड़ो, दिल्ली के पीने के पानी का सर्वेक्षण ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने करा, BIS वालों ने करा, 21 शहरों का एक सर्वेक्षण हुआ और सबसे नीचा नंबर दिल्ली का था। आपने हवा भी प्रदूषित कर दी आपके झूठे वादों से और दिल्ली के पानी को भी प्रदूषित कर दी। आपने कहा था कि हम चुनाव जीतेंगे तो बच्चों की कसम खाई थी कि सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी मकान नहीं लेंगे और जैसे ही शपथ हुई पहली फाइल सरकारी गाड़ी और सरकारी मकान की आपने चला दी। मित्रों, मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो अच्छे बंगले में रहे, सरकारी गाड़ी रहे, दिल्ली का मुख्यमंत्री का तामझाम रहना चाहिए, उनको सुविधाएं भी होनी चाहिए, हम तो मानते हैं, परंतु झूठ बोलकर आपने वोट मांगे ये मैं आपको याद दिलाने आया। मित्रों, मुझे बताओ, केजरीवाल जी ने कहा था कि हम अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करेंगे, 5 साल हो गए, 2015 में मोदी जी ने एक पत्र लिखा इनको और पत्र से कहा कि भाई अनधिकृत कॉलोनी के सारे नक्शे लाओ, मुझे अधिकृत करना है। उन्होंने कहा 2 साल लगेंगे सर्वे में। 17 में लिखा फिर से केजरीवाल जी, अब 17 हो गई, 2 साल हो गए, लाइए नक्शे। उन्होंने कहा और 2 साल लगेंगे। मित्रों, 19 में आपने मोदी जी को फिर से जिता दिया, ये बहन मीनाक्षी को सांसद बनाकर संसद में भेज दिया और 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी की दे दी। मोदी जी ने इस बार पत्र लिखने की गलती नहीं करी, सैटेलाइट से पूरी फोटोग्राफी कर नक्शे बनाए और सारी अनधिकृत कॉलोनियों को एक कलम के झटके से अधिकृत बनाने का काम। 1730 अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कर मोदी जी ने 50 लाख लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत की और रजिस्ट्री का पैसा भी, जहां 1-2 लाख रजिस्ट्री होती है, कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सारी चीजों को माफ कर 500 और 1000 रुपए में रजिस्ट्री कर आपको आपके मकान का मालिक बनाने का काम किया। यहां पर भी नेहरू एकता कॉलोनी, जेपी कॉलोनी, रविदास कैंप, हनुमान कैंप, सरस्वती कैंप, केडी कैंप, अम्बेडकर बस्ती, ऐसी 22 अनधिकृत कॉलोनियां हैं, 22 कॉलोनियां हैं और ये 22 कॉलोनियों के अंदर इसको अधिकृत करने का काम मोदी जी ने किया है। मगर सिर्फ अधिकृत करने से क्या होगा, आप मालिक तो हो गए मगर अंदर रोड बनाना है, रास्ता बनाना है, गटर डालना है, रास्ता डालना है, उसका बागीचा बनाना है, ये सारी चीजों को कौन करेगा बताओ? केजरीवाल जी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? हमने कहा था जहां झुग्गी होगी वहां पक्का मकान देंगे, उस सांप बनकर इस पर सो गए, 5 ईयर ही नहीं करते। अब मोदी जी ने कह दिया है 85,000 झुग्गियों का सर्वे भी हो चुका है, जहां झुग्गी होगी वहीं 2 कमरे का मकान देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली। और मित्रों, इसलिए आपको कहने आया हूं कि बहुत सारी महिलाएं माताएं बैठी हैं, अब तो मटके में पानी भरते नहीं, बोतल आ गई है, मगर मटका लेते थे उस समय, मटका लेते वक्त उस पर जरा टकोरा लगाकर देखते थे कि या नहीं देखते, पक्का है या कच्चा है, देखते थे या नहीं देखते थे भाई, तो 100-150 रुपए के मटके को इतना जांच परख माताएं आप करती है, पूरी दिल्ली का कारोबार सौंपना है केजरीवाल को, पहचान गए या नहीं पहचान गए? अब गलती होगी। मित्रों, दिल्ली का विकास केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही करती है।
आप एक बार आपने 15 साल कांग्रेस को मौका दिया, 5 साल आप पार्टी को मौका दिया, एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पूरे विश्व में सबसे सुंदर राजधानी दिल्ली को हम बनाएंगे मित्रों, पूरे विश्व। और हम भारतीय जनता पार्टी वाले जो कहते हैं वो करते हैं, और मोदी है तो मित्रों, अभी मोदी जी को आपने 303 सीटें दे दी, और 303 सीटें देने के बाद राज्यसभा में भी बहुमत आ गया। मोदी जी ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 70 साल से उलझे हुए सारे सवालों का एक 6 महीने में दिया। मुझे बताओ रामकृष्णपुरम वालों, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि हमारा कश्मीर देश का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मित्रों 70 साल से धारा 370 और 35 ए को लगाकर बैठे थे 70 साल से, और इस 70 साल से जवाहरलाल नेहरू जी धारा 370 लगाकर गए थे, कोई इसको उठाता नहीं था, हिम्मत नहीं थी, उनकी वोट बैंक नाराज होने का उनको डर लगता था। मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिला, राज्यसभा में बहुमत मिला, हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स तय करते हैं। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने लोकसभा राज्यसभा के अंदर धारा 370 को हमेशा के लिए, और इस बार 26 जनवरी को आपने देखा होगा हमारा तिरंगा कश्मीर की वादियों में शान के साथ लहरा रहा था मित्रों, शान के साथ। और ये कहते थे राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी के दीदी खून की नदियां बह जाएगी, बड़ा नरसंहार हो जाएगा। मैं पूछने आया हूं क्या हुआ भाई बताओ? एक गोली नहीं चली, कश्मीर में शांति है और कश्मीर आज हमारा। मित्रों ये लोग अपनी वोट बैंक के डर से धारा 370 नहीं हटाते। आरके पुरम वालों बताओ, आप उनकी वोट बैंक हो क्या? जोर से बोलो, आप उनकी वोट बैंक हो क्या? तो कौन है? जोर से बोलो कौन है, और जोर से बोलो कौन है, और जोर से बोलो कौन है? मित्रों ये अपनी वोट बैंक के डर से धारा 370 नहीं हटाते थे, मोदी जी ने एक झटके में हटाकर उसको उठाकर फेंक। मित्रों 550 साल से ये देश का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक चाहता था कि जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ अयोध्या में वही स्थान पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। कांग्रेस, केजरीवाल, ममता, सपा, बसपा, ये लोग जब भी केस आता था कपिल सिब्बल खड़े हो जाते थे, अभी न चलाइए, अभी न चलाइए, अभी न चलाइए। क्यों कपिल भाई, आपके पेट में क्या दुखता है बोला? मित्रों वो अपने वोट बैंक से डरते थे। पूर्ण बहुमत आया, केस चला, पांचों जजों ने कह दिया कि वही राम मंदिर बनेगा जहां राम लल्ला का जन्म हुआ। और मित्रों मैं आपको बताने आया हूं, आपको बताने आया हूं कि 4 महीने के अंदर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हम अयोध्या में करेंगे। क्यों विरोध करते थे राम मंदिर का क्यों विरोध करते थे बताओ? क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक का डर था। उनकी वोट बैंक कौन है? जोर से बोलो कौन है, और जोर से बोलो कौन है? मित्रों मोदी जी के आने से पहले देश में यूपीए की सरकार चलती थी, कांग्रेस की सरकार चलती थी, सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी, 10 साल सरकार चली, हर रोज पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते।
भाई हेमराज का सर काट कर ले गए, उसको अपमानित करा और अपमानित करने के बाद मौनी बाबा मनमोहन सिंह के मुंह से उफ भी नहीं निकला। पाकिस्तान को आदत पड़ी थी, यहाँ मोदी जी की सरकार बनी, उरी पर हमला किया, पुलवामा पर हमला किया, वो भूल गए। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है, कमल फूल की सरकार है और मौनी बाबा प्रधानमंत्री नहीं है, 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी। जैसे ही बोलो भारत माता की, भारत माता की, जैसे ही पुरी और पुलवामा और उरी पर हमला किया, मोदी जी ने 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के फूंके फूंके। अब अच्छा किया या बुरा किया, अच्छा किया या बुरा किया? मित्रों तुरंत केजरीवाल जी मफलर डालकर खड़े हो गए कि सबूत लाइए। राहुल बाबा ने भी कहा कि भटके हुए लोगों को क्यों आप बम गिरा रहे हो, क्यों भाई आपके चचेरे ममेरे भाई लगते हैं। उन्होंने भी सबूत मांगे, वो अक्कल के बूठो, अगर सबूत चाहिए तो पाकिस्तान का टीवी देखकर देख खोल कर देख लो, छातियां पीट पीट कर रो रहे हैं, सबूत मिल जाएगा। मित्रों ये लोग पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का भी विरोध करते हैं, क्यों विरोध करते हैं? अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक। उनकी वोट बैंक कौन है भाई? जोर से बोलो कौन है, और जोर से बोलो कौन है। अभी 2 साल पहले JNU के अंदर नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े हो 1000, इन लोगों को जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना? जोर से बोलो डालना चाहिए। मोदी जी ने जेल में डाल दिया, कन्हैया कुमार को डाला, खालिद को डाला, और जेल में जाने के बाद जब चार्जशीट पेश करने का टाइम आया, दिल्ली सरकार की परमिशन चाहिए, मेरा गला बैठ गया परमिशन मांगते मांगते। केजरीवाल अभी भी कहते नहीं है कि हम परमिशन देंगे। आरके पुलम वालों, ये झाड़ू वाले अगर वोट मांगने आते हैं तो परमिशन के बारे में पूछोगे क्या? आप जरा पूछोगे कि खाली तो कब परमिशन दोगे? अभी अभी ये सरजिल, क्या नाम है उसका, सरजिल इमाम, उसका वीडियो देख, ए बैठ जाओ बैठ जाओ, ऐसे नारे नहीं लगाते, इसका वीडियो देखा था ना, आसाम को भारत से काट देने की बात करता, दिल्ली में, दिल्ली को बांध में ले, हमने उसको पकड़ लिया, आज जेल में है। मैं आज भी केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, इसको भी बचाना चाहते हो नहीं, वो दिल्ली की जनता को कह दो, दिल्ली की जनता 8 तारीख के पहले जानना चाहती है। मित्रों केजरीवाल जी ने इसका जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मुझे बताओ केजरीवाल जी क्यों ये लोगों को बचा रहे हैं? क्योंकि वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक कौन है भाई? जोर से बोलो कौन है, और जोर से बोलो कौन है। मित्रों अभी मोदी जी CAA लेकर आए, और CAA लाते ही इन लोगों ने इसका विरोध चालू कर दिया। क्या है CAA? CAA है भारत के धर्म के आधार पर टुकड़े किए, कांग्रेस पार्टी ने भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी रहे थे उन लोगों को वहां अत्याचार किए गए, उनके सामने उनकी परिवार की महिलाओं को बेइज्जत किया गया, उनके रहने के मकान छीन लिए गए। अरे वो भाई पुलिस वाले भाई, आप आगे आ जाओ, कुछ नहीं है वहां, इसको बुलाओ पीछे। भाई तुम इस ओर मुंह कर कर खड़े रह जाओ, कुछ नहीं हो, चलो भाई वो अपना काम कर रहे, ऐसा क्यों कर रहे वाला? मित्रों उनको अपमानित किया गया, उनके घर छीन लिए गए, जायदादें छीन ली गई, जो कल 100 करोड़ के आसामी थे यहाँ दाने दाने को मोहताज हो गए। और मित्रों ये लोगों को यहाँ ना घर है, अरे बैठ जाना भाई तू, ओ बैठ जा, बैठ, बैठ। यहाँ ना घर है, ना खाना है,
ना गटर है, ना बिजली है, ना बच्चे को पढ़ाई लिखाई है, ना स्वास्थ्य। मुझे बताओ भाइयों, इन लोगों को नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं? एक केजरीवाल जी हमें सवाल करते हैं, भाजपा वाले पाकिस्तान का क्यों मदद करें, पाकिस्तानियों का। अरे केजरीवाल जी, आपको मालूम नहीं है कि इस दिल्ली में आजादी के बाद जब विभाजन हुआ, 30% दिल्ली वहां से आए हुए मेरे भाई बहनों की बनी हुई है, मेरे भाई बहनों की बनी हुई। आप उनको पाकिस्तानी कहते हो? जो अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने परिवार की महिलाओं को बचाने के लिए, अपने जान को बचाने के लिए यहाँ आए, भारत की शरण में आए, जिनका सब कुछ छीन लिया गया 70 साल से, आपने उनको नागरिकता नहीं दी अपनी वोट बैंक से डरकर। जवाहरलाल जी ने वादा किया था, गांधी जी ने किया था, राजा जी ने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने किया था, मौलाना आजाद ने वादा किया था, मगर आपने उनको नागरिकता नहीं दी। मोदी जी आए, मोदी जी ने उनको नागरिकता दे दी। और मित्रों, आज वो हमारे भाई बहन सम्मान के साथ जीने के अधिकारी बने हैं। मैं आज यहाँ पर आप सबके सामने कहने आया हूँ कि हम मानते हैं, केजरीवाल जी आप सुन लो ध्यान से, हम मानते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन आए हैं, वो हमारे भाई हैं। हमारे जितना ही अधिकार इस देश पर उनका है, हमारे जितना ही अधिकार इस देश पर उनका। और मित्रों, जैसे ही हम CAA लेकर आए, उन्होंने लोगों को उकसाना शुरू किया, दंगे कराए। देखे थे या नहीं देखे थे दंगे? बताओ भाई, जोर से बोलो, देखे थे या नहीं देखे थे? कौन कर रहा था मालूम है ना? मित्रों, ये दंगे कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी ने कराए। अब ये वोट मांगने निकले हैं। मुझे बताओ, जिन्होंने दंगे कराए हैं आज भी कहते हैं कि VR विद शाहीनबाग, वो दिल्ली को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, रख सकते हैं क्या? मित्रों, दिल्ली को सुरक्षित रखना है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी रख सकती है। और जो अपने वोट बैंक की लालच में देश की सुरक्षा, दिल्ली की सुरक्षा के साथ समाधान करते हैं, वो दिल्ली को सुरक्षित नहीं रख सकते, देश को सुरक्षित नहीं रख सकते। मोदी जी ने पूरे देश को बदला है, पूरे देश के अंदर अनेक प्रकार के बदलाव लेकर आए। मोदी जी दिल्ली बदलना चाहते हैं। आपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भाजपा को ली, केंद्र सरकार भाजपा को दी, बीच में एक जगह छूट गई, छूटी या नहीं? छूटी है ना? तो इस बार एक बार बीच की जगह दिल्ली सरकार भी मोदी जी के हवाले कर दीजिए, हम दिल्ली को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। मुझे बताइए भाइयों बहनों, मुझे बताइए युवा मित्रों, हमारे अनिल शर्मा को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? अरे सुनो आरके पुरम वालों, कमल के निशान पर बटन जरूर दबाना, मगर इतने जोर से दबाना कि बटन आरके पुरम में दबे, करंट शाहीनबाग में लगे। मुझे बताइए, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, भाजपा सरकार बनाएंगे, दिल्ली को सुरक्षित बनाएंगे, देश को सुरक्षित बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।